सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा नियम 130 के तहत कोरोना महामारी से पड़े प्रभावों को लेकर सदन में लाए गए विषय पर 17 विधायकों द्वारा चर्चा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जवाब दिया। चर्चा पर जवाब देते हुए डॉक्टर सैजल ने कहा कि देश को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली का सहारा लिया, जिसके बाद इस बीमारी से लड़ने के लिए एकता का भाव भी दिखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नेतृत्व क्षमता भी कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिली, जिन्होंने समय समय पर उचित निर्णय लेकर प्रदेश को इस विकट परिस्थिति से उबारने का प्रयास किया। कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर ने कोरोना संक्रमितों की जो सेवा की वो सराहनीय है। उन्होंने ऐसे समय में कोरोना मरीजों की मदद की जब संक्रमितों के सगे संबंधी उन्हें छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में ही सरकार ने कोविड से निपटने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसके तहत 104 सेवा 24 घंटे के लिए शुरू की गई और सभी उपायुक्तों को भी हर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। अभी सैजल का जवाब पूरा नहीं हुआ था कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड से निपटने के बजाय नगर निगम के चुनाव और मेले करवाने में व्यस्त रही, जिसके कारण कोरोना फैला। कोविड काल में लोगों को राहत देने के बजाय सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने कोविड प्रभावित परिवारों को कोई सहायता नहीं दी। वैक्सीनेशन और कोरोना होर्डिंग के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया गया है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से निपटने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का जवाब कोरोना से निपटने को लेकर वैज्ञानिक नहीं था। दूसरी लहर में अधिकतर मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। ऑक्सीजन प्लांट बिना किसी वैज्ञानिक राय के लगाने शुरू कर दिए गए। सरकार तीसरी लहर से निपटने में भी कारगर कदम नहीं उठा पा रही है। मौतों का जिम्मेवार कौन है? सरकार है, सरकार है। कोरोना का प्रबंधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मौतों का जिम्मेवार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। का जो चर्चा मांगी गई थी और उसके ऊपर सदन में विचार भी किया गया और हमारे काफी साथियों ने जो चर्चा के अंदर जो है भाग लिया, और उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि जो इस 2-2.5 महीने में जो सरकार की तरफ से कुप्रबंधन रहे और सरकार जो है सही ढंग से कोरोना काल में जो है व्यवस्था नहीं कर पाई, और जो सरकार का दायित्व बनता था केवल मात्र एक तरफा सरकार ने कार्य करने की कोशिश की, ना तो विपक्ष के विधायकों को, ना विपक्ष के हमारे सीएलपी के नेता को, ना ही उन्होंने अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कोई चर्चा की, केवल मात्र उन्होंने अपने लोगों से चर्चा की, अपने लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की और लोगों के ऊपर जो उन्होंने इतना भय उन्होंने पैदा कर दिया कोरोना का कि लोग जो है अपनों से अपने दूर हो गए। लेकिन सरकार ने ना अस्पतालों में व्यवस्था की, और जिस समय व्यवस्था करने की जरूरत थी उस समय उन्होंने की नहीं। दिल्ली की जो सरकार है उस समय वो चुनावों में मशगूल थी। पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनानी थी, फिर उसके बाद ममता के खिलाफ उन्होंने सरकार बनानी थी। इस प्रकार से 5 राज्यों में उन्होंने जो भारी भरकम भीड़ खड़ी की, और उसी प्रकार हमारे प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव करवाए गए यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की गई, और उस शिवरात्रि के मेले किए गए, अन्य आयोजन किए गए, जिसकी वजह से कोरोना फैला। लेकिन सरकार ने उस समय जब इनको पता था कि ये दूसरी लहर आने वाली है और घातक लहर आने वाली है, उस समय सरकार ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाए। आप देखिए लोग किस तरीके से वहां पर मरे, उनको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाई, उनका इलाज नहीं हुआ। एक जो शुगर का कोई पेशेंट था उसको आलू और कड़ी खिलाई गई। इतनी कुव्यवस्था जो है सरकार की तरफ से रही, किसी को पानी नहीं मिला, 72 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिली, और इनकी पीपी किट के अंदर जो इतनी भ्रष्टाचार हुआ है, हर सामान को खरीदने के लिए इनकी पीपी किट से इतनी घटिया थी कि जो उनको पहन के आते थे उनमें किसी की उनकी जिप नहीं लग रही है, कोई किनारे से फटी हुई थी। जो ये सरकार का ये सामने जो आया, सच जो सामने आया, लोगों ने उसको देखा कि सरकार ने इसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, लोगों को मारा है सरकार ने, और जो लोग इसमें मरे हैं, मृत्यु हुई है जिन लोगों की उनको, और जिन लोगों का इलाज हुआ है, जो पॉजिटिव जो पेशेंट कोई हुआ उसको जब एडमिट किया
कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किया। सर्टिफिकेट में नहीं लिख रहे हैं कि इसकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। क्या कारण है इसमें? क्यों सरकार भाग रही है? इतने लोग इन्होंने मार दिए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या सरकार जो है इतनी अंधी हो गई है, बहरी हो गई है? क्या सरकार के आसपास इतना भी पैसा नहीं है जो है अपने बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के और बुजुर्गों को छोड़ के उनका लालन पालन कौन करेगा? सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी कोई भी कदम आज दिन तक नहीं उठाया उन परिवारों के लिए। उनको कोई राहत राशि उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। क्या कारण है? आज ये हम नहीं, आम जनता इस बात के लिए पूछती है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं हमारी सहायता कर रही है। आज भी लोग जो है डिप्रेशन में है और सरकार जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी तारीफ को खुद ही करी जा रही है और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाई जा रही है। जब देखिए वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है, उसमें मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है, लेकिन जो कोरोना से कोई मर रहा है उस सर्टिफिकेट में कोरोना का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहां की सरकार है? ये क्यों एक तरफा कार्यवाही हो रही है? और जितना इन्होंने पैसा इन कोरोना होर्डिंग के ऊपर या इसके ऊपर वैक्सीनेशन होर्डिंग के ऊपर लगाया है, अगर इतना पैसा इन्होंने जनता के बीच में बांटा होता जिनकी मृत्यु हुई है तो शायद सरकार की लोग तारीफ करते। लेकिन आज जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब इनको वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, आज ये बोलते हैं हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए। अरे उन वेंटिलेटर्स का फायदा क्या जबके पास आपके एनसीसी के डॉक्टर नहीं है, आपके पास कोई स्पेशलिस्ट एमडी नहीं है, और फिर आप क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और जब वहां पे लोगों को जरूरत होती थी उनको राशन तक भेजा जाता था, उनको खाने पीने के फल फ्रूट भेजा जाता था, उनको फल फ्रूट तक नहीं दिया जाता था अंदर। इनका जो कंट्रोल जो रूम इन्होंने बनाए हुए थे वो वहां पर केवल मात्र एक दिखाने के लिए कि हम आपकी सहायता करेंगे, किसी की सहायता नहीं हुई। एम्बुलेंसेस के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं थी, एम्बुलेंसेस भी बाद में हम लोगों ने अपने पैसों से एम्बुलेंसेस चलाई, मुफ्त में लोगों को इलाज करवाया, उनको दवाइयां दी और जिनकी जो पर्याप्त सहायता हो सकती थी हमने की। सरकार का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी ने और अन्य दलों ने कुछ नहीं किया, ये सरासर एक तरफ का कार्य है सरकार का। सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार का दायित्व बनता था क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो अपनी जिम्मेवारी से